एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत अभी सुबह की हो रही है, 10:30 बजे। और अभी बस मैं अब घर का सारा काम करूँगी, क्योंकि आज घर में मैं अकेली हूँ। तो फिर मतलब मैंने नहीं किया है कुछ भी काम, क्योंकि दिव्यम अब जाके सोया है नहा धो के, और मैं भी नहा लिया है मैंने भी। और अभी मेरे को झाड़ू वगैरह लगाने को और बर्तन साफ करने को, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी ब्लॉग को शुरू करते हैं। और ये देखो आज का व्यू, ये देखो मेरे को कितने सारे बर्तन हैं धोने को, तो जल्दी जल्दी मैं इनको सबको साफ कर देती हूँ एकदम। मैं डाल रही हूँ भिगोने, क्योंकि आज कोई स्पेशल आ रहा है। स्पेशल मीन्स मेरी नंजी आ रही है आज घर को। वो कहाँ रहते वो मैं आगे आपको व्लॉग में बताऊँगी। तो फिर अभी मैं इसको डाल देती हूँ भिगोने शाम तक, ताकि ये अच्छे से भीग जाए। और मेरे को अभी ध्यान आया, तो मतलब मैं पहले यही कर लेती हूँ। हमारे गांव के पास ही थी एक शादी, तो दिल्ली के टाइम साइड को जा, साइड को जाएंगे तो मैं प्रमुख के साथ प्रस्तुत देवेंद्र शर्मा जी से विनती करता हूँ, स्टेज पे आएंगे। और उसी के साथ लड़के के माता पिता और लड़की के माता पिता भी आए। कृपया सब ध्यान देंगे। अभी विवाह के प्रतीक चिन्ह के रूप में दुल्हन को अनुमति पहनाएगा और उसके बाद दुल्हन पहनाएगा। ठीक है जी, कृपया सब ध्यान से सुनिए। और सबसे पहले कोई अंगूठी ले आए जा, दादी के पास जाओ और चुपचाप बैठ जाइयो वहाँ पे। यीशु का नाम बेटा आप भी पहनोगे, जोरदार तालियां। अब एक लास्ट ओवर रह गई है, जितने भी पासवान है वो सब आ जाएं, बस एक प्रेयर रह गई है, उसके बाद आपका समय सारा। पास्टर पास्टर लोग आ जाएं, सारे आ जाएं, चलो जैसे भी। आ जाए सर पासवान, सब आ जाएं। बस एक प्रार्थना हम करेंगे, उसके बाद फोटोग्राफर जैसे भी। ठीक है, इंद्रप्रीत और हेमा को यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं।
प्रभु आपकी दया और अनुग्रह की दृष्टि इन पर बनी रहे, इनका जीवन आपकी दृष्टि में अनमोल हो, आपसे साक्षात्कार हो, इन पर, इनके घर वालों पर, रिश्तेदारों पर, सब पर आपकी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। आज से आप इन्हें पति पत्नी के रूप में जानेंगे। थैंक यू। सो गाइस, बीना नंजी नीचे पहुंच गई है और मैं ऊपर वाले कमरे में हूँ क्योंकि दीपी जो है ना वो सो गया है, तो उस वजह से मेरे को भी यहीं रहना पड़ रहा है क्योंकि वो उठ जाता है बीच बीच में इसलिए। और अभी वो आएंगे, ऊपर को आएंगे शायद, और अभी देखना आप, नंजी बहुत टाइम बाहर आ रहे घर को। सो गया यार।